लोकसभा चुनाव 2024 जब अपनी समाप्ति की ओर जा रहा है, पीएम मोदी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए देश विभिन्न राज्यों में जाकर रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी उड़ीसा पहुंचे। पीएम मोदी ने सबसे पहले उड़ीसा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद पीएम ने संबित पात्रा के लिए पुरी में रोड शो किया। फिर पीएम मोदी उड़ीसा के ढेंकानाल में रैली करने पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की बीजू जनता दल की सरकार पर बड़ा हमला किया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम। एठी उपस्थिता भाई और भौणी मानन को मोर नमस्कार जोहार। यहां मैंने देखा एक बिटिया बहुत बढ़िया चित्र बना के लाई थी, साथ में राम मंदिर भी बनाया था। वो चित्र के पीछे आपने अपना नाम पता लिखा है। ये बच्चे भी कोई किताब विताब लाई है, देना चाहती है, जरा ले लीजिए भाई। वो कोई नौजवान हमारी मां का चित्र बना के लाए हैं, हाँ वो भी ले लीजिए। वो एक बच्ची को एक किताब जैसा है उसके हाथ में ले लिया। आप सबने अपना अता पता लिखा है। आप लोग इतना उत्साह उमंग के साथ इतनी मेहनत करके अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ये कोई बुजुर्ग आदमी को भी मन कर गया आगे को लेके आ रहे, उनसे भी ले लीजिए। हमारा उड़ीसा कला का धाम है, हर परिवार में कला है और इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बना के लाते हैं सब। लेकिन इसके साथ आप अपना प्यार भी लेके आते हैं, आप अपनी शुभकामनाएं लेके आते हैं और वही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, महिमा गोसाई और भीमा भोई की स्मृति को मैं आज इस धरती से नमन करता हूं। साथियों, मैंने अपना जीवन का लंबा समय पार्टी के संगठन के कार्य के लिए खपाया है।